चलो कहता है ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस आर रोटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हम लोग के पास एक रिंग है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक रिंग है, ये वाली एक अच्छी सी रिंग है, ठीक है, एक रिंग है। अब उसका मास m है, रेडियस r है, वो अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओमेगा से रोटेट कर रही है और कैपिटल मास है और रेडियस कैपिटल r है, ठीक है। देयर आर कहता है फोर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m आर जेंटली प्लेस टू अपोजिट इन दर परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग ओमेगा ऑफ द रिंग। अब हमने बड़े आराम से, अब अगर आप देखोगे रोटेशन, पूरे रोटेशन को एनालिसिस करोगे तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, देर आर मेनी टाइम्स ऐसे क्वेश्चन, कभी डिस्क के फॉर्म में, कभी रिंग के फॉर्म में, अलग अलग टाइप में आया है। मैंने बड़े आराम से ठीक है, आराम से चार मास रख दिया, फोर मास स्मॉल एम का इसके सरकमफेरेंस पे रख दिया, क्या अभी भी ओमेगा से ही रोटेट करेगा रिंग? नहीं 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 नहीं, ओमेगा से नहीं रोटेट करेगा, ओमेगा डैश से रोटेट करेगा। चेंज, क्या ओमेगा ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है बढ़ गया होगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ गया होगा, एल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ओमेगा घट गया होगा, दैट इज ओमेगा लेस देन ओमेगा। अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, अगर ऐसे एक बच्चा झूला झूल रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है और एक मोटा हाथी आके उस पर बैठ गया, तो झूला स्लो तो हो ही जाएगा ना भाई। मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास ज़्यादा रखोगे, ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ेगी, ठीक है, तो ओमेगा घटेगा यार। चलो तो इसको हमें निकालना, एग्जैक्ट निकालना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कराते हैं? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। क्या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है? हाँ जी, बराबर जीरो है, क्योंकि रिंग का मास और एम जी उसके सेंटर से पास होगा, टाउ गया जीरो। यहाँ पे टॉर्क निकालोगे इस पॉइंट पे, तो रिंग का जगह एम जी, और जो मास रखा हुआ है उसका एम जी इधर आएगा, नॉर्मल इधर आएगा, ठीक है, तो उसका भी टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुल मिला के जीरो। तो कुल मिला के जो टोटल टॉर्क है वो जीरो है, ठीक है। अगर टोटल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल फाइनल के इक्वल होगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया जाए, कितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? रिंग का आई और रिंग का ओमेगा, फाइनली एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डैश ओमेगा डैश। एक बार लिख दो, रिंग का एम आर स्क्वायर और ओमेगा। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो पहले होगा ही होगा, प्लस इसमें चार छोटकू छोटकू मास जुड़ गए, छोटू, ये छोटे छोटे जो मास एड हो गए वो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, तो एक का एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर होता है, तो चार का फोर स्मॉल एम आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश। तो फाइनली मुझे जो ओमेगा डैश मिलेगा, एक अच्छा सा एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा कैपिटल एम आर स्क्वायर, राम से भाई, एम और ये ओमेगा, कैपिटल एम और ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को खत्म कर दिया, तो कैपिटल एम प्लस फोर स्मॉल एम, दैट इज द ओमेगा फाइनली, ठीक है कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हो, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है, ये है प्यारे बच्चों बी।